रंगीन मिजाज होमगार्ड की जमकर हुई मेहमान नवाजी, वीडियो वायरल सिहारा। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति जैसे खास कार्यक्रम चला रही है जिसकी देखरेख पुलिस महकमा ही करेगा, तो वहीं दूसरी ओर खुद प्रशासन से जुड़े अय्याश लोग ऐसी मुहिम को पलीता लगाने में लगे हैं जिससे न सिर्फ महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है बल्कि समाज में भी बुरा संदेश जा है। ताज़ा मामला निकल कर आया क्षेत्र के ही एक ग्राम का, जहां गत 25 अक्टूबर की रात्रि एक होमगार्ड जो कि स्थानीय थाने में तैनात है गांव की एक महिला से रंग रलियां मनाने के लिए उसके घर में घुस गया, जिस पर ग्रामीणों ने शक के आधार पर टांग का झांकी की तो उनका शक यकीन में बदल गया, जिसके बाद ग्रामीण अपना आपा खो बैठे और होमगार्ड की जमकर पिटाई कर डाली। इस दौरान होमगार्ड रहीम की भीख भी मांगता नजर आया लेकिन उसकी महिला मित्र ने भी पाला बदल लिया और उल्टे होमगार्ड पर ही जबरदस्ती का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई में इजाफा करा दिया। इस पूरे प्रकरण के बाद अगले दिन से शुरू हो गया मामले व महिला को दबाने का प्रयास, जिसके तहत दलाल इस मुहिम में सफल भी हो गए और महिला को रकम अदायगी कराते हुए मामले को रफा दफा कर दिया, जबकि मामले को पुलिस तक भी नहीं जाने दिया गया। अब जबकि मामला निपट गया है तो उक्त होमगार्ड फिर से सीना फुला ड्यूटी भी कर रहा है और मिशन शक्ति को फिर से बदनाम करने की जुगत में भी लगा है, क्योंकि आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। उक्त अय्याश होमगार्ड को जब अपनी पत्नी बच्चों और परिवार की इज्जत की फिक्र नहीं वो विभाग का क्या मान रखेगा, इसलिए समाज में ऐसे अय्याश लोगों को पनपने से रोकने के लिए उक्त आरोपी होमगार्ड पर कड़ी विभागीय कार्यवाही होनी ही चाहिए, ताकि भविष्य में वो ऐसी हरकत करने से पहले कुछ और खोने के डर से सहम जाए और महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दे। वहीं थानाध्यक्ष का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। सुगम प्रहरी यूज चैनल से नितेश कुमार कामिल टिकू की रिपोर्ट। मेरे पास चलो।